हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन की। हम आज रात की ट्रू फीलिंग देखेंगे। ओके, सो ये रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिहाज से अगर देखा जाए। अब नो मून जो है वो ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ग्रहण की भी एनर्जी है तो उसका जो प्रभाव है वो भी पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो आपको लेके करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता हर बात आपसे रेजोनेट ना हो, मे बी समवेयर कभी कभी रीडिंग पूरी की पूरी मैच हो जाती है 100%। फिर कभी ऐसा भी होता है कि 80%, 70%, 50%, 40%, 20% कुछ ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूअर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं ये चार्जेबल होती हैं, इनकी फ़ीस होती है। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके करेंटली क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके पार्टनर्स इनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में इनके लिए क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। उनके दिल और दिमाग में जो भी कुछ है इस वक्त, जो आज रात वो सोचने वाले हैं, प्लीज़ वो हमें बता दें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें। ओके, सो लेट्स सी। नंबर 5 का कार्ड आया है, विन और लॉस। नंबर 3, नंबर 8, नंबर 5। तो नंबर 5 यहाँ पे दो बार रिपीट हो चुका है। ये नंबर आपसे किसी न किसी तरह से कनेक्ट करता होगा। नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 8 की एनर्जी है। ठीक है, और बॉटम से अगर हम देखें नंबर 6 आता है, नंबर 17। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है इनको लेके। एक सेकेंड ना। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त। प्लीज़ यू यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड पर फाइव ऑफ सोर्ड का ही कार्ड आता है और बॉटम से हमारे पास सिक्स ऑफ कॉइन की एनर्जी है। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंड्स, मूविंग ऑन पे नाइट ऑफ सोर्ड एंड दी कॉइन, थ्री ऑफ कॉइन विद दी डेथ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड दी क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, सो बॉटम से जस्टिस आता है, यहाँ से सिक्स ऑफ वेंड्स आता है। जस्टिस एंड सिक्स ऑफ वेंड्स काफ़ी मेजर एनर्जी है। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे। थोड़ा सा मैं कैमरा और एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहे हैं कार्ड्स। अच्छा, राशि की बात करें व्यूअर्स यहाँ पे, ठीक है, तो राशि वैसे तो देखा जाए तो सारी है, कोई भी राशि मिसिंग नहीं है, बट स्टिल जो भी है यहाँ पे जो मेजर में है मैं आपको बता देती हूँ। तुला राशि, ठीक है, वृश्चिक राशि और फिलहाल ये राशि व्यूअर्स यहाँ पे मुझे मेजर में नज़र आती हैं। और ये कौन सी एनर्जी है? सो यहाँ पे कुंभ राशि की एनर्जी भी है। तो ये कुछ राशि हैं जो मेजर में आई हैं, बाकी अगर हम देखें तो सारी राशि यहाँ पर आ चुकी हैं, मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और एरियस, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि। तो जैसा मैंने बोला था सारी राशि आई हैं, तो सारे एलिमेंट्स के कार्ड आए हैं, तो सारी की सारी राशियाँ कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके करंटली क्या चल रहा है उनके दिमाग में। देखो व्यूवर्स, करंटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो आपके पार्टनर्स हैं ना, जिनसे भी आप डील कर रहे हो,
उनको पता है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में अब एक ऐसा वक्त आ गया है या फिर ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जहाँ पे रिश्ते या तो बचेंगे या रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, या तो वो आपको पा लेंगे, ठीक है, आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ में बना रहेगा, या समवेयर बिल्कुल कम्प्लीटली एंड हो जाएगा और फिर मतलब कुछ बचेगा नहीं। इस बात की आपके पर्सन को यहाँ पे जैसे चिंता सी नज़र आ रही है। अब मैं चिंता क्यों बोलूँगी व्यूवर्स, क्योंकि अगर हम देखें ना यहाँ पे जो अपसाइड और ये डाउन वाले कार्ड आते हैं, ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को वो हील करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में जैसे कि आपको अपने होने का, आपके साथ में होने का, आपके साथ में लॉयल होने का, या फिर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एफर्ट्स दिखाने का, समवेयर जैसे कि वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास ही फील करें, आप उनके साथ में अपने कनेक्शन को फील करें और फील करें दोनों, आप दोनों के बीच में जैसे कोई बॉन्ड है, और बॉन्ड की चीज़ का है प्यार का, सिंपली लव, एक प्यार का ही रिश्ता है आप दोनों में, और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है ये हील हो, ये ख़त्म ना हो, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड व्यूअर आपको ये ही बात बताता है कि ये जो पर्सन, इस पर्सन को डर ही इस बात का है, या तो वो इस रिश्ते को हार जाएंगे हमेशा के लिए, आपको खो बैठेंगे, और ये खोना नहीं चाहते। अगर यहाँ पे हील की जगह कोई और कार्ड आ जाता तो हम समझ लेते चलो ठीक है इस पर्सन के मन में समवेयर डाउट है, बट इस पर्सन के मन में डाउट नहीं है। ये कुछ यहाँ पे बात ये भी हो रही है कि अगर इनको आपके साथ में जुड़ना है तो समवेयर दे वॉन्ट टू ब्रेक समथिंग, इनको कुछ छोड़ना पड़ेगा, इनको कुछ तोड़ना पड़ेगा, जैसे कोई रिश्ता है वो तोड़ना है, ठीक है, अगर उन्हें आपके साथ में आना तो समवेयर कुछ ऐसा हो सकता है भाई, जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो इनकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते भी हों या कुछ ऐसी बातें भी हों, ठीक है, जिनकी वजह से आपके कनेक्शन में ये सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक है, नहीं मतलब प्रॉब्लम्स आ गई एकदम से, सिचुएशन मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई एक इंसान है लेकिन उसके साथ में जुड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से छुप के कुछ ऐसे काम कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि हाँ समवेयर ये गलत है ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन कुछ ऐसे ही मुझे काम में इन्वॉल्व नज़र आते हैं जो समवेयर गलत चीज़ों में इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कुछ लोगों के साथ में इनके कनेक्शन हो सकते हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन को ये जो तोड़ने वाली बात है ना वो समवेयर थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन को लेके हो सकती है, या तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ दें या वो आपको छोड़ दें, इनको ये जैसे कि एक अल्टीमेटम मिल चुका है, इनको एक वार्निंग मिल चुकी है, एज ए जस्टिस जैसे किसी ने डिसीजन लेके इनको बोल दिया है कि ठीक है कि भाई डिसीजन ले लो इस पार या उस पार, मुझे चुन लो या किसी और को चुन लो, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे कि एक सही तरीके से इस रिलेशनशिप को चाहती हूँ या चाहता हूँ, गलत तरीके से रिलेशनशिप लेके चलना मेरे बस की बात नहीं है। तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स इसी जस्टिस वाली एनर्जी में आ गए हैं, देखने में ऐसा लगता है ये जो पर्सन है ना ये आज इस कनेक्शन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। वैसे इस पर्सन की अगर मैं मन की बात करूं व्यूअर्स तो वी हैव अ नर्चर एनर्जी ऑल्सो, जो कहीं ना कहीं दिखाती है ये जो पर्सन है ये आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके, मतलब दिख रहे हो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आई विद द नर्चर कार्ड विद द नाइट ऑफ वेंड्स, तो ये कार्ड व्यूअर्स आपको एक तरह का हिंट दे रहा है कि ये जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को खोना तो नहीं चाहते, इनके मन में बहुत डर है, ठीक है, उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसे ख्याल आ रहे हैं, इस तरह के भाव आ रहे हैं जो दिखाते हैं ये जो पर्सन है ये कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर नाइट की एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग आई है, और देख रहे हो कितना, मतलब ये जो पर्सन है वो कितना ज़्यादा इसने आर्मर पहना हुआ है और अपना घोड़े पे है, और उसने अपनी जो तलवार तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ यहाँ पर एक वॉन्ड है जो एक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जैसे कि वो चाहते हैं ये कनेक्शन खुश ना हो, क्योंकि ये जो मतलब ये जो कनेक्शन है ये टूटे नहीं, क्योंकि इस कनेक्शन में उनको खुशी मिलती है, ये कनेक्शन उनको खुशी देता है, जैसे कि वो इस कनेक्शन को अकम्प्लिश करने के लिए उन्होंने ठान लिया है कि हाँ वो इस कनेक्शन को जैसे कि पूरा करेंगे, अकम्प्लिश करेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन को बेहतर बनाएंगे, इस कनेक्शन में जो कमियां हैं उनको पूरी करेंगे, नर्चर करेंगे इस कनेक्शन में, यानी वर्क करके उसको और भरा पूरा बनाएंगे और अच्छे से डील करेंगे। तो इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, इस तरह के ख्याल आ क्यों रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पे विवर्स कुछ एनर्जी दिख रही है मूविंग ऑन करती हुई, और विद द नाइट ऑफ सोर्ड जो दिखा रही है कि भाई ये जो पर्सन है, यानी समवेयर जो आप हो विवर्स यहाँ पे, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत क्विकली एक नया चेंज देने के बारे में एनर्जी बात करती है। और ये दिखा रही है कि आप जैसे कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेके आगे बढ़ा जा रहा है, जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, जिन चीज़ों में क्विक डिसीजन चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी चाहते हो आप, ठीक है। अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली, आप ये कह रहे हो कि आई वॉन्ट दिस, मैं ये स्टेबिलिटी चाहता हूँ, या फिर मैं ये कनेक्शन चाहता हूँ, मैं इस तरह से रिलेशनशिप चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं दिया ना तो मैं बहुत जल्दी तुमसे मूव ऑन कर जाऊँगा, बहुत जल्दी तुमसे दूर चला जाऊँगा, फिर तुम हाथ झाड़े रह जाओगे और फिर तुम बार बार मुझे पुकारोगे ना तो भी मैं तुम्हारी तरफ लौट के नहीं आऊँगा। तो इस पर्सन के लिए यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम आ गया भाई, बहुत ज़्यादा टफ टाइम आ गया है। अब ये टफ टाइम जो आया व्यूअर्स, इस पर्सन को क्या है चैलेंज, क्या आ गया है कि भाई एंड कर लो थर्ड पार्टी, ठीक है। चैलेंज क्या आ गया है कि एंड कर लो थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी को एंड अगर तुमने मतलब अभी के अभी नहीं किया, ठीक है, उसको नहीं बोला कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता या तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप लेके नहीं चल सकती या नहीं चल सकता, तो यहाँ फिर भूल जाओ। तो इस पर्सन के सामने चैलेंज क्या है कि भाई थर्ड पार्टी को एंड करना है, ठीक है, थर्ड पार्टी को एंड करना है, यानी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनके साथ में बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब कुछ ऐसे रिश्ते कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, कुछ लिमिट्स बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है या कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब आपके पर्सन को भाई इस कनेक्शन को अगर बचाना है तो थर्ड पार्टी को एंड करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा इस पर्सन की लाइफ में अभी चैलेंजेस ही बारे में सोच रहे हैं कि यार वो आपको रोके तो भाई थर्ड पार्टी को एंड करना है, और थर्ड पार्टी को एंड करना है तो उसमें कहीं ना कहीं वक्त लगेगा, या फिर कुछ इनको एकदम से कुछ करना है तो किस तरह से करना है, किस तरह से आपको रोकना है ना। तो आप जैसे किसी और चीज़ से कन्वेंस हो ही नहीं रहे हो, आपको कोई और बातें इनकी, जैसे कि कोई आपको ये बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको भाई लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप कह रहे हो मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए, मुझे डिसीजन चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे इस कनेक्शन में तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम मुझे मेरा हक नहीं दे सकते, ठीक है, तो अपना ये लॉलीपॉप अपने पास रखो, मतलब कहीं ना कहीं मीठी मीठी बातें अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ या बच्चा नहीं हूँ कि मैं छोटे से एक्शन से तुम्हारे खुश हो जाऊँ अपनी लाइफ के अंदर, और अपना मैं जो मेरा मेन मेरी लाइफ का जो फोकस है मैं उससे भटक जाऊँ। तो मैं अब उस पर अड़ गई हूँ या अड़ गया हूँ और मुझे वो करना ही करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ व्यूअर्स, वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। इस पर्सन के पास में दो ही रास्ते हैं, आर या पार, इधर या उधर, ठीक है। आपने तो डिसीजन ले लिया, आपने तो अपनी तरफ से क्लैरिटी दे दी, ठीक है। अगर तुमने जैसे कि इतने टाइम में नहीं किया या फिर अभी नहीं किया तो फिर तुम मुझे भूल जाओ। तो इस पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्योंकि यहाँ पे नर्चर है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स समवेयर, ये आपकी एनर्जी में ही से कहूँगी, क्योंकि आप ही की व्यूअर्स यहाँ पे बात हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पे कह रहा है, जैसे भाग्य भी इस वक्त आपका साथ दे रहा है, और भाग्य इस पर्सन को घुमा रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर बना रखा है इस पर्सन के दिमाग को, और ये पर्सन व्यूअर्स इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। आपके कनेक्शन में ना आपकी रीडिंग में नाइट्स बहुत आए हैं, ठीक है, नाइट्स सारे के सारे दिखा रहे हैं एक्शन ओरिएंटेड, कोई भी एनर्जी यहाँ पे पॉज में नहीं है। तो समवेयर एक्शन इज गोइंग ऑन आपके कनेक्शन में, दिमाग के घोड़े भी चल रहे हैं आपके पर्सन के, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं प्लानिंग भी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ से भी एक्शन है। तो समवेयर बहुत सारे एक्शन मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रहे हैं, पॉज एनर्जी नहीं है, और सारी एनर्जी नाइट्स की है, यानी इनको किसी मंजिल पर पहुँचना है आपके पर्सन को, और मंजिल क्या है इनकी, आप हो, और आपको पाने के लिए इस पर्सन को बहुत सारे एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। यानी अभी इस पर्सन की लाइफ में चैलेंज ही है, और वो कार्ड भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है चैलेंजिंग टाइम का, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पर आपके पर्सन आपके जो थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, ये कार्ड देखना बनता है, ठीक है। क्या वो उनको निकाल पाएंगे, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, प्लीज वो हमें बता दें। थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, डिवाइन एंजल क्या प्लानिंग हो रही है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। टावर, एंड हो जाएगी थर्ड पार्टी, पहला कार्ड ही टावर का आ गया, ठीक है।
तो इस पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है कि भाई वो थर्ड पार्टी को एंड करेंगे और आपके साथ में कनेक्शन को हील करेंगे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने सोच लिया कि अब तो ये करना ही करना है, अदरवाइज आपको वो खो बैठेंगे। और इसी वजह से बॉटम से भी नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर एस ऑफ सोड की एनर्जी है। यानी कि इस पर्सन को इस वक्त ये सब कुछ इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, एक्शन चल रहे हैं, ठीक है। ये एक्शन को ही रिप्रेजेंट करी सारी एनर्जी, कि ये जो पर्सन है इनके दिमाग में यही सब कुछ है कि मैं डायरेक्टली जाके कहूँगा या किस तरह से कहूँगा। जैसे बर्डन तो है भाई, है ना, स्ट्रेस तो लेके चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने सोच लिया दो ही बातें यहाँ पर हैं, एक है टावर एक है स्टार। यानी ये कनेक्शन यहाँ पर ये एंड कर देंगे थर्ड पार्टी को लेके, हमने पूछा था। और जब थर्ड पार्टी एंड है तो आपकी लाइफ में यहाँ पे हैप्पीनेस है, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से। मैं कुछ आज चैनल मैसेज भी ले लेती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी व्यूअर्स यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप इनके लिए चैनल मैसेज दें। ये दो कार्ड स्लिप हो गए क्योंकि ये कार्ड आना था और ये कार्ड कहता है जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में अगर आपके पर्सन जुड़ते हैं तो बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है या बहुत सारी जो नेगेटिव वाइब्स होती है जो इस पर्सन के दिमाग में चल रही होती है या इस पर्सन के मन में चल रही होती है, जो इनको कहते हैं ना टॉक्सिक, वही चीज़ें होती है जो मतलब कहीं ना कहीं लाइफ को पॉइजनस करने का काम करती है, लेकिन आप उसको डिटॉक्सिफाई करते हो। तो ये आपके पर्सन सबसे पहले आपके कह रहे हैं कि आपका होने से ही मेरी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है, तो मैं तुम्हें जाने से कैसे मतलब जाने कैसे दे सकता हूँ, जाने से रोकना ही पड़ेगा हर हाल में, है ना। तो ये है आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो ये चाहते हैं ये जो गुड न्यूज़ है वो आपको आपके पर्सन बता दें, लेकिन आप उस पर बिलीव कर लो कुछ इस तरह से आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने जिस एनर्जी में देखा ना वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी जिस तरह से मैंने बात करी आप वैसी समझ लो वैसी एनर्जी थी आपकी। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो लाइक दिस, वो आपको इस तरह से जाने नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते आप उनकी लाइफ से जाओ, है ना, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो या इस पर्सन को भूल जाओ, इसके बिना जीना सीख लो। हाँ ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में कुछ मैं मटेरियल चीज़ों के बीच में फंस गई थी या फंस गया था। यानी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से कनेक्शन जो बने वो भी एनर्जी दिखाती है कि इनका कोई लालच था, इनका कोई स्वार्थ था, जैसे कुछ मिल रहा था, कुछ गिव एंड टेक चल रहा था कि ये दे रहे हैं तो वो दे रही है ना, इस तरह से मतलब आप समझ सकते हो। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसे भी हो, मतलब कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। और डिटॉक्सिफाई करने का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, वो है आप, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, मतलब आप उनको आकर्षित कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो। एंड मैं आपको अपने ड्रीम में देखता हूँ, मतलब वो आपको अपने ड्रीम में देखते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। और बॉटम से भी अगर हम देखें यहाँ पे भी हीलिंग की एनर्जी आती है और आपके कार्ड में भी हीलिंग आया है, ठीक है। तो समवेयर यस, आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे हील हो रहा है और आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि वो बेड़ियाँ दिख रही हो यहाँ पर, ये इंसान जो है इसमें इसकी जो बेड़ियाँ हैं वो टूट रही हैं, वो ब्रेक हो रही है और ये इन चीज़ों से बाहर निकल रहा है, जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, थर्ड पार्टी से, इनके अपने मतलब जो भी इनका एटीट्यूड और बिहेवियर था उससे, तो हर चीज़ से ये ओवर हो रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। ये यही आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं पहले जैसा अब नहीं रही या नहीं रहा। आई एम ट्राइंग टू बिकमिंग बेटर पर्सन सो दैट आई कैन जैसे कि वो क्या बोलते हैं कि अब वो आपको प्यार को हासिल कर सके, आपको दिखा सके कि सिर्फ वो प्यार है इस कनेक्शन में और वो प्यार ही है जो इस कनेक्शन को आपकी तरफ लेके आ रहा है। उनको आपसे जैसे ये कह रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है बट आई नीड यू, जैसे कि आपसे बेहतर कोई मिल नहीं सकता, आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, कोई प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे कि भाई अकल आ गई है ये कहेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है। एक कार्ड मैं और देख पा रही हूँ व्यूवर्स, यहाँ पे चलते चलते यहाँ पर एक कार्ड आता है कंट्रोल का। तो जो कंट्रोल इनको कर रहे हैं व्यूवर्स, मतलब थर्ड पार्टी में जो भी लोग हैं आपके पर्सन को जो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कार्ड व्यूवर्स ये दिखा रहा है जैसे सिंपली लव के नीचे ये कार्ड आया कंट्रोल का, जैसे कि आपके प्यार को आपसे जुड़ने से कोई कंट्रोल कर रहा, रोक रहा है, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि आई एम ओवरकमिंग, मैं उससे निकल रहा हूँ, ठीक है। जैसे किसी कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं सो दैट
वो आपसे जुड़ सके है ना। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग आज रात की आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें रीडिंग को, एनर्जी को। तो व्यूवर्स लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते वर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर। ओके।